हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। रिसेंटली श्रीलंका की ईवी स्टार्टअप कंपनी वेगा ने अपनी एक इलेक्ट्रिक रिक्शा शोकेस की है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसका नाम कंपनी ने रखा है वेगा ETX। यहां पर ई और टी स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए। ये बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रिक रिक्शा है, जो कि रूफ पर सोलर पैनल के साथ आती है। सोलर पैनल होने से ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते चलते ही चार्ज हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि सोलर पैनल की हेल्प से ये इलेक्ट्रिक रिक्शा पर डे 64 किलोमीटर तक का एक्स्ट्रा रेंज कवर करेगी, तो इससे इलेक्ट्रिक रिक्शा ओनर की काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाएगी। बस कंपनी ने अभी इसका कॉन्सेप्ट शो किया है, इसकी स्पीड रेंज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बाकी दिखने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। जैसा कि कंपनी ने अपने एड में इसे बताया है, ये रिक्शा अगले साल 2022 में लॉन्च होने वाली है, और श्रीलंका के अलावा इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को अदर एशियन कंट्रीज में भी लॉन्च किया जाएगा, तो इन अदर कंट्रीज में इंडिया का नाम जरूर आता है। बाय द वे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सोलर पैनल लगाना कहाँ तक प्रैक्टिकल है? मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।